हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। सभी मर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 15 करने वाले हैं, ये देखते हैं। मुझे माफ कर दे, क्या सोच रही हूँ ये मैं। परेशान क्यों लग रही हो रही सुल्तान, क्या बात है बताओ मुझे। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के बारे में फिक्रमंद हूं साहब, शुक्र है अल्लाह का मैं कुछ और नहीं सोच रही। सुबह खैर से मौत साहब, तुम्हें भी सुबह खैर दुर्गत सिपाही। मैं सिपाही नहीं आऊ तो मेरी नजरों में हमेशा एक बहादुर सिपाही ही रहोगे। खैरियत है, कहीं दूर जा रहे हैं क्या आप? उससे मुलाकात के लिए जा रहा हूं मैं, अगर चाहे तो साथ चल सकता हूं मैं। शुक्रिया तुम्हारा, मगर अकेले ही जाऊंगा मैं। कल बहुत अच्छा काम किया है तुमने, तुम आराम करो आज, बहुत सी बातें करनी है तुमसे जब वापस आऊंगा मैं। जी ठीक है जनाब। वापसी की इजाजत चाहूंगा आपसे, उम्मीद है तिजारत अच्छी रही होगी। असल शुक्र है मैंने और कबीले ने अच्छा मुनाफा कमाया है। अच्छा है,
इजाजत की जरूरत नहीं है आपको। सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। मेहनत करके इस कालीन के कारखाने को खड़ा किया है। मैं किसी को कब्जा नहीं करने दूंगी इस पर।
ये साझे दादी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी आज। सफर थका देता है लेकिन वापसी पर अगर प्यार भरा खानदान मुंतजर हो आपका तो थकन महसूस नहीं होती। ये खा लो बेटा मेरी प्यारी सी जान। खुशकिस्मत है हमारी माँ खातू, शुक्र है रब का। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता सियान खातू, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। आपने अपना घर अभी तक क्यों नहीं बसाया? कल शब हमारी बात हुई थी, अगर आपकी इजाजत हो तो काय कबीले में कोई बहादुर देखूं मैं। मेरी वालिदा की वफात होने के बाद मेरे भाइयों और बाबा ने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा मुझे, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मेरी शादी शायद हो भी जाती अब तक, मगर बाबा को मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता मिला ही नहीं जो उन्हें मुनासिब लगे। काय की हुनरमंद खवातीन चलने की तैयारी कीजिए। चलो चलते हैं कहीं देर ना हो जाए। हाँ चलो उसे बच्चों को ले लो।
नहीं 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 जाने वाली खवातीन पर लुटेरों ने हमला कर दिया है। जैसे ही देखा आपको खबर देने आ गया। गुनगुन तभी ले जाओ फौरन और बताओ उनसे कहो को मत भेजे। कैसा आपका हुक्म है? बंसी तुम सबको पता है क्या करना है। जी जी के भाई ठीक है। यहाँ क्यों आए हो तुमदार? कितनी बार कहा है कि कबीले वापस नहीं आना मुझे। हाँ अच्छी तरह जानता हूं मैं ये बात भी, लेकिन खुद देखना चाहता था कि हमारा बहादुर सिपा सालार दुर्गुत कबीले से कैसे गद्दारी कर सकता है। अगर किसी ने गद्दारी की है तो वो मैं नहीं हूं तुमदार।
रुजो का गेटअप बहुत मस्त है। जी भाई कहाँ है? वो भाई हमारे साथ नहीं आ सके। खैरियत तो है ना? क्या कुछ हुआ है भाई के साथ? तो भी लगा है। मैं वही सोच रही थी क्या होंगे।
ही आर पार हो गया। नहीं 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 निकलो 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 जल्दी जाओ। सुल्तान के जासूसों को तुम्हारे यहाँ आने की खबर कैसे हुई सिमोन? कैसे? उसका मैं पता लगा लूंगा, मेरा ज्यादा परेशान ना हो।
नहीं, ये शराकतदारी बहुत कीमती है और इसे तुम्हारी कमजोरियों की खातिर कुर्बान नहीं किया जा सकता। मैंने तुम्हें क्या किया? तुम अब तक सुल्तान के जासूस को नहीं ढूंढ सके। मैं उसे ढूंढ लूंगा मेरे हजरत। बस बात सुन ली तुम्हारी, अब मेरी बात सुनो। तुम अर्तुरुल है सुल्तान का जासूस। और तुम इंतजार करो कि वो खुद आए तुम्हारे पास और इतराफ करे इस बात का। जान लू मैं चाहे वो, मुझे शुरू से ही शक था उस पर, लेकिन इसके बावजूद तुम और दूसरी जाने अर्तुरुल कारा जैसार का किला फतह करने के लिए दिन रात मसरूफ अवल है। अगर वो कामयाब हो गया तो अलाउद्दीन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप इसीलिए हमारी मदद करने पर आमादा हुए कि सुल्तान अलाउद्दीन आपके खिलाफ ताकत ना हासिल कर ले, या फिर शायद आप किसी और को सुल्तान बनाना चाहते हैं। आह मुबारक आह। मुझसे अगर आइंदा इस लहजे में बात की तुमने तो मैं दिल चीर कर तुम्हारा कुत्तों को खिला दूंगा। तुम अपने काम से काम रखो और अपने औकात ना भूलो, समझ गए?
नहीं चलना चाहिए। हाँ कभी ये जाओ चलती है, और तुम भाई की इजाजत के बगैर मैं कभी ये नहीं आ सकता। मेरे भाई, अगर हमने तुम्हें इस हालत में छोड़ दिया तो तुम जिंदा कैसे बच पाओगे? तुमसे मेरे भाई, यहाँ जो भी हुआ इसके बाद हमारे तरुण भाई का सामना कैसे करेंगे? उस जासूस का हम लोग पता भी नहीं लगा पाए, नहीं जा सकता मैं। तो हम अर्तुल भाई अगर यहाँ होते तो क्या तुम्हें इस तरह छोड़ देते? वैसे भी हमारी लाशें ना ही भाई के काम आएंगी ना ही कभी लेके। चलो चलते हैं भाइयों, जल्दी करो, आराम से करो। संभालो भाइयों, अच्छा खासा चल रहा था। ये कोपे को भी अभी आना था, चल आ तो गया, बट अभी एटलीस्ट जिंदू को पता नहीं कि मेरे को चाहिए एटलीस्ट एक गुंडू ठीक हो जाए, चलो जिंदा है वो हो जाएगा, दुआन हो जाएगा, दुआन हो जाना चाहिए। तो और उन लोगों को ऐसे वहां से निकालेंगे वो भी है,
और इस आगे तुमको पैकिंग में तुल्ला बोला है कि आठ करोड़ है, अभी ये सिमोन क्या करेगा कि वो भी देखना होगा। अभी तुरबुज भी उधर ही और उराल अभी खुश हो गया क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो रहा है फिलहाल। उराल को तो यार मेरे को देखना, जिस दिन मालूम पड़ा ना आर्थर उन्हें छोड़ना नहीं उसको, उसका सर कलम कब होगा, बस हो गया। बहुत डिफिकल्ट होते जा रहे, इतना मस्त चल रहा था सब, अच्छा था, काम भी चालू हो गया था, ये उराल के लालच ने सारा खेल खराब कर दिया है। एटलीस्ट वो बंदे ने जाके बोला वो बड़ी बात है, वरना तो बाबा बहुत प्रॉब्लम हो जाती, लोग जाते किधर कैसे क्या होता, बानु जीजी को भी लग गई और बस दुआ भी, एटलीस्ट दुआ भी पहुंच जाना है, बानु जी थोड़ी शांत हो जाएगी, वो भी एक है। चलो अब देखना होगा आगे क्या होता है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।